सो बॉयज़ हम फाइनली आ चुके अपने टेस्टिंग फेज के ऊपर और हम टेस्ट करेंगे सी एस गो के साथ। बट बिफोर दैट मैंने सोचा क्यों ना एक सॉफ्टवेयर का टूर लिया जाए, बिकॉज सॉफ्टवेयर के बगैर तो माउस का फ़ायदा ही नहीं है ना। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बॉक्स को पड़े थे रख देता हूँ साइड पे और अब हम आते हैं अपने माउस के साथ। और सीन ये कि यार मैं अपना हाथ ना प्रॉपर अपने वो सेटिंग में ला नहीं सकता बिकॉज मैंने कैमरा शैमरा लगाया हुआ, तो समझ सकते हो यार मजबूरी है। सो अब हम आते हैं पहले सॉफ्टवेयर के ऊपर, सॉफ्टवेयर को ओपन अप कर लेते हैं। और यहाँ पर भाई साहब ये हमारे पास कुछ हमारा सॉफ्टवेयर आया इस तरह, और इसमें हम डी पी आई पे है, लाइटिंग इफेक्ट्स हैं, की असाइनमेंट है और डिवाइस सेटिंग है। ओके डिवाइस सेटिंग पे उड़ने लगा था। खैर अभी हम रहते हैं डी पी आई के ऊपर, तो डी पी आई को आप सेटिंग कर सकते हैं अप टू 6000 और स्नाइपर की अलग से कर सकते हैं जो कि सेटिंग अकॉर्डिंगली। तो सीन ये है कि अब जो मेरी डी पी आई है मैं उसे पे इसे सेट कर देता हूँ, क्योंकि मैं खेलता हूँ 1500 डी पी आई पे, तो मैं इसे 1500 कर देता हूँ वाइट पे। एंड जब मैं इसे फिर ये होगा कि जब मैं इसे वाइट के ऊपर करूँगा, जो कि अब आप देख सकते हैं वाइट के ऊपर हो चुका है, तो अब ये 1500 डी पी आई पे सेटेड है। तो और जो मैं नॉर्मल डी पी आई रखता हूँ वो रखता हूँ 1000 जब मैं नॉर्मल पी सी यूज़ कर रहा होता हूँ। सो ये है जी हमारी रेड पे, तो ये हम रेड पे रख सकते हैं। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्या हम अपनी जो फर्दर डी पी आई है उन्हें डिलीट कर सकते हैं। ओके हाँ डिलीट, इसे डिसेबल कर सकते हैं, ये डिसेबल्ड, ये भी डिसेबल्ड, ये भी डिसेबल्ड। ओके अब ये सही है, अब मेरे पास टू कलर्स हैं यहाँ पे और मैं इसके दरमियान स्विच कर सकता हूँ। जब मेरे पास ये मैं नॉर्मल पी सी यूज़ कर रहा हूँ तो इस तरह हो जाए, एंड जैसे ही मैं गेम चलाऊँ तो ये इस तरह वाइट हो जाए। सो ओके ये होगी भाई साहब हमारी सेटिंग, स्टेजेस सेट हो गए। स्नाइपर को भी अभी हम डिसेबल करते हैं अगर हो सकता है तो, आई डोंट थिंक सो। ओके ये होगी जी हमारी सेटिंग, इसे हम करते हैं मैंने मैं तो लेट्स गो टू द गेम। हम आ चुके अपने मैप के ऊपर। सीन जो है कि मैंने अभी अभी थोड़ी सी डीपी को कम किया है, 1500 को मैंने जैसे ही गेम लगाया तो भाई बहुत तेज़ लग रहा था, तो अब मैंने सेट किया थोड़ा सा 1250 के ऊपर, क्योंकि ये थोड़ा G95 से कम वेट है इसका ना, 1500 ग्राम कम है, तो मुझे थोड़ा सा ना ये थोड़ा लाइट वेट लग रहा है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा समझने में मुश्किल हो रही है इसे। लेकिन अभी हम इसे और ट्राई करते हैं तो क्या सीन बनता है। और सेकेंडली सीन ये भी, क्योंकि मैं माउस का यूज़ करूँ थोड़ा सा टिल्ट करके, और मेरा जो एल्बो है वो थोड़ी यहाँ पे करके होती है बिल्कुल टेबल के एज के ऊपर, बट अनफॉर्चुनेटली मैं ऐसा नहीं कर सकता बिकॉज कैमरा शैमरा सेट किए हुए हैं। खैर अभी ऐसे करते हैं, पहले हम स्टार्ट करते हैं एक के साथ, और बहुत ज़्यादा हाई सेंसी लग रही है। के साथ मैं आपको थोड़ा सा सीन समझाता हूँ मुझे क्या इशू आ रहा है। सीन जी क्योंकि ये तो काफ़ी लाइट वेट है और डी पी आई मैंने बहुत लाइक जिससे मैं खेलता हूँ G95 उसका तो ठीक है, क्योंकि वो हैवी वेट है, उसका डी पी आई हाई रखना पड़ता है तो अच्छा एक वो सीन बन जाता है। लेकिन ये लाइट वेट तो मुझे इसे रोकना पड़े, मेरे कंट्रोल में नहीं आ रहा, यानी मुझे अपना जहाँ पे क्रॉस हेयर प्लेसमेंट करनी है करना पड़ा। देखते हैं ऑफ के साथ क्या होता है। ठीक है रिस्पॉन्स है, नाउ इट्स टाइम फॉर द कंक्लूजन बिकॉज हमने चेक कर लिया सारे साइड पे, दफा देख लेते हैं आधार डी पी आई पे। ओके नहीं स्काउट भाई बहुत बुरी है, ये भी बुरी है, आप लोग तो चला रहे। तो खैर स्काउट को भी हम रखते हैं एक तरफ, और सीन अब मैं आपको थोड़ा सा कंक्लूजन की तरफ आ जाते हैं। जो इसकी ग्रिप्स हैं ये बहुत अच्छी हैं, ठीक है, बिकॉज मुझे काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा है कि मैंने हैवी कोई अच्छी क्वालिटी का प्रीमियम माउस पकड़ा हुआ है, और ग्रिप भी बहुत अच्छी है, कहीं पर मुझे स्लिप नहीं फील हो रहा, और साथ ही साथ इसका सेंसर काफ़ी अच्छा जो कि हल्के से को भी रीड कर रहा है, यानी बिल्कुल बहुत माइनर से मैं इसे हिला रहा हूँ और बहुत सही हो रहा है, और कहीं पे मिस आउट नहीं कर रहा, बिल्कुल भी मिस आउट नहीं कर रहा कि जितनी मर्जी तेज़ फ्लिक हो जाए मिस नहीं कर रहा। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग। और साथ ही साथ अगर बात की जाए इसके रिस्पॉन्स की, तो ऑफ के साथ जब मैं डीगल यूज़ करूँ तो क्लिक बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट क्लिक है, यानी सही प्रॉपर एक क्रैकिंग रिस्पॉन्स फील हो रहा है, तो दैट्स अ थिंग।
सो बाकी ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो माउस की इन द 3,000 rupees, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मुझे एक अच्छा माउस चाहिए, अच्छे बजट के अंदर चाहिए एंड दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ, सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट। पहले मैं सजेस्ट किया करता था J95, बट क्योंकि J95 के मेरा हाथ सेट है तो मैं तो यूज़ कर रहा हूँ, और जिसका सेट है उसे मैं यही सजेस्ट करूँगा कि J95 ही यूज़ करें। बट स्टिल इफ़ यू आर लुकिंग फॉर न्यू माउस टू जस्ट गो ऑन टू अनदर जर्नी, लाइक आपके पास कोई चाइना का माउस था लेकिन अब आप कह रहे हैं बस 3-4 हज़ार जमा हो चुका है और मैं एक अच्छा माउस लेना चाहता हूँ, सो या दिस इज़ द माउस, क्योंकि बहुत ही अच्छा है ये, क्योंकि एक 85 ग्राम को इतना ज़्यादा वेट भी नहीं, मीडियम वेट है, उसके बाद एक अच्छा स्क्रोल भी बहुत अच्छा है और बटन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है एंड आई थिंक यही एक माउस के अंदर होना चाहिए, और साइज़ भी बहुत मुनासिब है, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ क्लॉक अंदर से है, आप इसके साथ जो पाम वाले उनके लिए नहीं है, बिकॉज पाम के साथ ये छोटा पड़ेगा आपको, और मेरे हाथ जितने बड़े हैं तो नॉर्मली हाथ में बड़े नहीं ज़्यादा, लेकिन पाम वालों को आई डोंट थिंक से यूज करेगा, पाम के साथ भी खेल के देख लेता हूँ। ओके पाम के साथ खेला नहीं जा रहा, क्लॉक करना पड़ा, लेकिन ओवरऑल इट इज़ गुड एंड आई थिंक सो कि अगर आप चाहो तो खेल सकते हो अगर आपको पसंद आ जाता है। सो ओवरऑल आई वुड सजेस्ट कि अगर मैं इसे रेट करूँ अपने हिसाब से तो आई वुड रेट 8 out of 10, जस्ट बिकॉज के इसे थोड़ा और अगर वेट में लाया जाता तो इसे एक हैवी वेट कैटेगरी मिल जाती और मे बी आई थिंक मेरे जैसे गेमर्स के लिए सूटेबल भी होता काफ़ी ज़्यादा। सो ये था जी रिव्यू आज का ऑफ कॉर्ड सायर हार्पोन RGB। सो होपफुली आप लोग को आज का रिव्यू पसंद आएगा, पसंद आए तो डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।